हाय गाइस, मैं सागर कपूर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हर एक पल्सर ओनर कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस करता है। जैसे ही एक बजाज पल्सर, चाहे वो 150, चाहे वो 220, चाहे 200 या 125 सीसी हो, उसमें एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है। जब ये बाइक अपने 20,000 से या 25,000 से ऊपर किलोमीटर रन कर जाती है तो इसकी टाइम चेन आवाज करने लग जाती है। जैसे कि ये अपने 25,000 से ऊपर किलोमीटर चल चुकी है, तो मैं आपको इसकी आवाज सुनाता हूँ। ये आ रही है इसमें से आवाज। और ये साउंड बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, इरिटेट करती है, तो देखते हैं अब इसका क्या होगा। आई थिंक इसमें टाइम चेन नहीं डल सकती है, क्लच प्लेट भी नहीं डल सकती है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 3,000 to 3,500 हो सकती है। मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि इस बाइक पे 3,000 to 3,500 लग रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले मैं इसको लोकल मैकेनिक्स के पास लेकर गया। उन्होंने बाइक की एक सिर्फ राउंड लिया विद इन 2 किलोमीटर्स और उन्होंने ये जज कर लिया कि इस बाइक की क्लच प्लेट और टाइम चेन खराब हैं, और मुझे उन्होंने कहा इसमें कम से कम 3,000 to 3,500 का खर्चा आ सकता है। अब जैसे ये बाइक 8 साल पुरानी हो चुकी है, तो मैंने ये सोचा कि यार एक बार सर्विस सेंटर पर भी दिखा लेते हैं, जब 3,000 to 3,500 रुपये इस बाइक पर लगने ही हैं तो एक बार सर्विस सेंटर में भी दिखा लेते हैं। और सर्विस सेंटर में जो हुआ वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बिकॉज जो एक लोकल मैकेनिक ने मुझे बोला इसके रिगार्डिंग सर्विस सेंटर में, उसका बहुत उल्टा हुआ। आगे के वीडियो में वो कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ना मैंने इसकी 20,000 किलोमीटर पहले भी कुछ टाइमिंग चेंज वगैरह चेंज हुई थी, क्लच प्लेट भी चेंज हुई थी इसकी, तो इतनी जल्दी ऐसे करनी नहीं चाहिए थी ना वाजी। अच्छा, बस यही प्रॉब्लम है। कैसे मतलब? हाँ जी, पहली वेल्डिंग करा रहे हैं। और ये ना गर्म भी बड़ी जल्दी हो रही है भाई, गर्म लग हो सकता है। तो पैकिंग इसका, पैकिंग ये तो कंपनी ने वेल्ड करा होगा ना इसे? वेल्ड हो गया है ये? क्या चीज हो रही है? मुझे लगता है वेल्डिंग वेल्डिंग कर रखा है। नहीं, राउंड होती है इसी अलावा टाइम क्या रहता है। जैसे कि हमने वीडियो में देखा जो सर्विस सेंटर की थी, कि इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम थी ही नहीं, ना इसकी क्लच प्लेट ख़राब थी, ना इसकी टाइमिंग चेन ख़राब थी। जो हमें लोकल मैकेनिक ने बोला था उसने बिल्कुल गलत बोला। जो वहाँ के ऑथराइज्ड सेंटर का जो एम्प्लॉय था उसने चेक करा और उसने सिर्फ ये कहा कि इसमें जो क्रैंक है वो वाइब्रेट कर रहा है, अगर हम सिर्फ उसको चेंज कर देते हैं तो बाइक ठीक हो जाएगी, ट्राई करते हैं। उन्होंने क्रैंक चेंज किया, जिसका प्राइस नॉर्मली 280 रुपीज़ आया, जेन्युइन पार्ट, और ये बाइक की आवाज़ बिल्कुल कम हो गई, जैसे कि अब हम देख सकते हैं। पहले के मुकाबले इसकी आवाज़ बहुत कम हो चुकी है, और इसका जो क्रैंक रिप्लेस हुआ है, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट हमारा रिप्लेस हुआ जो 280 रुपीज़ का जेन्युइन पार्ट आया, और हमारे इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करे गए, और हमारी बाइक बिल्कुल आवाज़ कम कर दी अब इसने। अब जैसे कि कई बार हम ये सोचते हैं कि यार हम आफ्टर मार्केट या बाहर के मैकेनिक से काम करवा लेते हैं, वो सस्ता पड़ेगा, बट मेरे एक्सपीरियंस में मुझे सर्विस सेंटर जाना ज़्यादा सस्ता पड़ा और मेरा काम अच्छे से हुआ, ना ना करके मेरे 3,500 रुपये बच गए। नॉर्मल सी बात यह है फ्रेंड्स कि अगर हम बाइक पे 3,000 to 3,500 रुपये लगा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कार पे अगर 3,500 हम लगा रहे हैं तो कोई वो बिग इशू नहीं होता, बट बाइक
बाइक की वैल्यू के हिसाब से 3500 बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है यार। 3500 में तो कम से कम 2000 किलोमीटर में रन कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि कभी भी आपकी बाइक में कोई मेजर वर्क आ रहा हो तो आप लोकल मैकेनिक से तो पता कीजिए, लेकिन आप एक बार सर्विस सेंटर भी ज़रूर विजिट करिए, क्या पता आपका काम थोड़ी लेस कॉस्ट में हो जाए और आपके पैसे बच जाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू गाइज़।